अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम बताएंगे टैली प्राइम में लेजर बनाना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया था, साथ ही ये भी बताया था कि टैली में इससे हमें लेजर बनाने और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में किस प्रकार से सहायता मिलती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली प्राइम में बनी हुई किसी कंपनी में लेजर किस तरह से बनाए जाते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, आपको सिर्फ वीडियो देखने से लाभ नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो का सही लाभ लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। हमने टैली में जो कंपनीज बनाई थी उनमें से एक कंपनी यहाँ पर ओपन है। कंपनी बनाना हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। टैली में कंपनी क्रिएशन के बाद लेजर बनाना होते हैं, तो पहले हम आपको लेजर के बारे में बता देते हैं। आपने मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस में अकाउंट यानी खाते के बारे में समझा था। टैली में अकाउंट को ही लेजर नाम दिया गया है। टैली में जब कोई कंपनी बनाते हैं तो उसमें हमें दो लेजर, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले से ही बने हुए मिलते हैं। बाकी आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाना होते हैं। मान लीजिए हमने कोई व्यापार शुरू किया है तो हमें टैली में हिसाब रखने के लिए पहले कुछ लेजर्स बनाना होंगे। जैसे कि व्यापार के लिए हम कैपिटल लाएंगे तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट, किसी से उधार माल खरीदेंगे, उदाहरण के लिए अशोक ट्रेडर्स से उधार माल खरीदेंगे तो उसका अकाउंट, बैंक में खाता खोलेंगे तो बैंक का अकाउंट, जो भी खरीद करेंगे उसके लिए परचेज अकाउंट, जो माल बेचेंगे उसके लिए सेल्स अकाउंट, हमने जो दुकान किराए पर ली है किराए के लिए रेंट अकाउंट इत्यादि। टैली में लेजर बनाते समय हमें वो लेजर किस ग्रुप के अंतर आएगा ये निर्णय करके उस ग्रुप को चुनना होता है। वैसे तो हमने आपको पहले जो परिभाषाएं बताई हैं उस आधार पर आप लेजर से संबंधित ग्रुप का निर्णय स्वयं ही कर लेंगे, पर कई बार ये निर्णय कर पाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स की मदद ले सकते हैं। उसमें हमने बहुत ही सरल तरीके से ग्रुप कैसे चुनना ये बताया है। टैली में जैसे ही हम कोई कंपनी ओपन करते हैं तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन दिखाई पड़ती है और इसे हम टैली में जाने का मेन गेट यानी मुख्य दरवाजा भी कह सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग हेडिंग्स जैसे मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं और इनके अंतर्गत कुछ ऑप्शंस भी दिखाई पड़ रहे हैं। हम एक एक करके सभी ऑप्शन समझाएंगे। सबसे पहले हम मास्टर्स से शुरुआत करेंगे। मास्टर्स में आप 3 ऑप्शंस देख रहे हैं जिसमें सबसे पहला है क्रिएट। इसकी सहायता से आप टैली में रिकॉर्ड रखने के लिए या कह सकते हैं रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो भी मास्टर्स जरूरी हैं उन्हें बना सकते हैं। दूसरा है ऑल्टर। इसकी सहायता से आप अपनी कंपनी में जो मास्टर्स बने हुए होंगे उनमें चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और तीसरा है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। इसकी सहायता से आप अपनी कंपनी में बने हुए मास्टर्स को एक साथ देख सकते हैं। यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि इन तीनों ऑप्शंस पर हम गोटू की सहायता से भी जा सकते हैं। गोटू के लिए या तो उस पर क्लिक करें या ऑल्टर और जी कीज को एक साथ प्रेस करें। हम यहाँ पर माउस से क्लिक कर रहे हैं। देखिए ये तीनों ऑप्शंस क्रमशः क्रिएट मास्टर, ऑल्टर मास्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स के नाम से यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं।
जब आप टैली में कोई वाउचर एंट्री कर रहे होते हैं या कोई रिपोर्ट देख रहे हैं और उस दौरान यदि आप इन ऑप्शंस का उपयोग करना चाहते हैं तो गोटू की सहायता से कर सकते हैं। हम एस्केप की प्रेस करके वापस पहले वाली स्क्रीन पर आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्रिएट ऑलरेडी हाईलाइटेड है, इसलिए हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर तीन हेडिंग दिखाई पड़ रहे हैं, अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंटरी मास्टर्स और स्टेट्यूटरी डिटेल्स, और इनके अंतर्गत कई प्रकार के मास्टर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आज हम लेजर के बारे में बताएंगे। तो देखते हैं टैली में लेजर्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आप जिस तरह का भी मास्टर बनाना चाहते हैं उसके नाम का पहला अक्षर यहाँ मास्टर क्रिएशन के नीचे दिखाई दे रहे सर्च बॉक्स में टाइप करें। जैसे हमने लेजर के लिए L टाइप किया, ये देखिए लेजर हाईलाइट हो रहा है। अब हम एंटर प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए लेजर क्रिएशन विंडो आ गई है। कोई भी व्यापार प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कैपिटल लाई जाती है, तो पहले हम कैपिटल का लेजर बनाएंगे। चूंकि हमारे व्यापार का स्वामी एक व्यक्ति है इसलिए हम प्रोपराइटर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लेजर बनाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट के नाम से भी खाता खोल सकते हैं। यदि हमारे व्यापार के एक से अधिक स्वामी होते, यानी अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म होती, तो हम अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते समय उनके नाम के साथ खाता खोलते, जैसे श्याम्स कैपिटल अकाउंट, अशोक्स कैपिटल अकाउंट इत्यादि। लेजर क्रिएशन विंडो में सबसे ऊपर नेम के आगे हमें लेजर का नाम लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। अब एंटर प्रेस करेंगे। अलियास वाले ऑप्शन को हम ब्लैंक यानी खाली छोड़ रहे हैं, इसको हम बाद में समझाएंगे। आगे बढ़ने के लिए एंटर प्रेस करें। यहाँ अंडर में पहले से ही कैपिटल अकाउंट ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि टैली को मालूम है कि जब कोई व्यापार आरंभ होता है तो सबसे पहले व्यापार के स्वामी को व्यापार में कैपिटल लगानी होती है और उसके लिए टैली में कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, और ये अकाउंट कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत ही बनेगा। यही कारण है कि जब टैली में हम पहला लेजर बनाने जाते हैं तो अंडर में कैपिटल अकाउंट ग्रुप ही दिखाई पड़ता है। हम इसे ही सिलेक्टेड रहने दे रहे हैं और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। अब एंटर की प्रेस करते हुए तब तक आगे बढ़ते जाएं जब तक एक्सेप्ट विंडो ना आ जाए। ये देखिए एक्सेप्ट विंडो आ गई है। एंटर प्रेस करके लेजर क्रिएशन विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखिए ऐसा करते ही हमारा लेजर बन गया है, और अगला लेजर बनाने के लिए लेजर क्रिएशन विंडो फिर से आ गई है। अब हम अगला लेजर हमारे सप्लायर अशोक ट्रेडर्स का बना रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर सप्लायर का नाम लिख देंगे और अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ अंडर में हमें ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। देखिए राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई पड़ रही है। हम जो लेजर बना रहे हैं वो जिस ग्रुप से संबंधित है वो हमें इस लिस्ट में से चुनना होगा। आप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में ध्यान से ग्रुप्स के नाम देखें और ये निश्चित करें कि कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करना है। यहाँ हम सप्लायर का लेजर बना रहे हैं, और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सप्लायर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में आते हैं, तो अब यह निश्चित हो गया कि हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप चुनना होगा। इसे चुनने के लिए ग्रुप के नाम का पहला अक्षर टाइप करें, जैसे हमने टाइप किया S। ऐसा करते ही इस अक्षर से शुरू होने वाले जितने भी ग्रुप्स होंगे वे सभी एक साथ दिखाई पड़ेंगे। अब आप अप या डाउन एरो कीज की सहायता से संबंधित ग्रुप के नाम पर जाएं और एंटर प्रेस करें। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। यहाँ मेलिंग डिटेल्स में देखिए हमने सप्लायर का जो नाम पहले टाइप किया था वो आ रहा है। अब यहाँ पर हम उसका पूरा पता टाइप कर देते हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें। यहाँ पर पिन कोड डालें और कंट्रोल और ए कीज से इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें। अब हम अपने बैंक का लेजर बना लेते हैं। लेजर क्रिएशन विंडो खुली हुई है, इसमें नेम के आगे बैंक का नाम लिखें। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। यहाँ पर हमें ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। हम बैंक अकाउंट्स ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ अपने बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स दे सकते हैं।
हम अपने बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल दे रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर हमें बैंक की मेलिंग डिटेल्स देना होगी। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़े। यहां एंड में ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, आइए इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यवसायी किसी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में या बीच में मैनुअल अकाउंटिंग बंद करके टैली में अकाउंटिंग शुरू कर देता है, तो उसके मैनुअल अकाउंटिंग के जो भी क्लोजिंग बैलेंस होंगे वो टैली के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे, और वे सभी बैलेंस उसे कंप्यूटर अकाउंटिंग शुरू करने के पहले लेजर्स बनाते समय अपने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में लिखना होंगे। हमारा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, पर समझने के लिए यहाँ पर हमने 5,000 लिख दिया है। एंटर प्रेस करते ही यहाँ ऊपर आपने जिस तरह का ग्रुप सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से यहाँ DR या CR लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। इसको हम आगे समझेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। डेबिट के लिए D टाइप करें या फिर क्रेडिट के लिए C टाइप करें और एंटर प्रेस करें। हम इसको DR ही रहने दे रहे हैं। इस विंडो को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल और A कीज को एक साथ प्रेस करें। इस वीडियो में हमने आपको एक समय में एक लेजर बनाना सिखाया। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको मल्टीपल लेजर्स यानी एक साथ एक से अधिक लेजर्स बनाना सिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कि आपने जो लेजर्स बनाए हैं उन्हें ग्रुप्स के साथ कैसे देख सकते हैं।